नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर शिक्षा से जुड़े विभिन्न प्रकार के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम दिखाने वाले हैं कक्षा 10 एवं 12 से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मई में आएंगे कक्षा 10 और 12 के नतीजे। और एक बात और बता दें आपको महत्वपूर्ण, कि अब री वैल्यूएशन में हर पर्सन के लिए लगेंगे 100 रुपये। ये सबसे बड़ी न्यूज है। स्कूल विद्यार्थी और अभिभावक के लिए CBSE ने जारी किया है अधिसूचना। CBSE रिजल्ट जारी होने के बाद नंबरों के वेरिफिकेशन की प्रोसेसिंग फीस शेड्यूल और री वैल्यूएशन से संबंधित जानकारी अभिभावक और विद्यार्थियों के लिए CBSE ने जारी की है। इस दिशा निर्देशों में बताया कि CBSE का परिणाम जारी होते ही यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस अधिसूचना को CBSE ने पहले से इसलिए जारी किया है जिससे स्कूल अभिभावक विद्यार्थी इस प्रक्रिया को जान ले, इसके बाद उसी के हिसाब से भी पुनर्मूल्यांकन को लेकर योजना बनाए। CBSE कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं खत्म हो चुकी है। CBSE मई में इन परीक्षाओं के नतीजे जारी करेगा। परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर कॉपियों की रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए CBSE अभी इसे जानकारी जारी कर दी है। अंक वेरिफिकेशन के लिए प्रति विषय देने होंगे आपको 500 रुपये। दोस्तों, अंकों में वेरिफिकेशन के लिए आपको 500 रुपये प्रति विषय फीस ली जाएगी। उत्तर पुस्तिका की फोटो कॉपी लेने के लिए 12वीं कक्षा में 700 प्रति विषय और 10वीं कक्षा के 500 रुपये प्रति विषय फीस ली जाएगी। रिवैल्यूएशन के लिए 100 रुपये प्रति पर्सन फीस ली जाएगी। ये है दोस्तों अंक वेरिफिकेशन के लिए प्रति फीस। तो हमारी जानकारी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, हमें बताएं कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें।